कैसे हैं आप? तो आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 09 लेक्चर नंबर लेके आए हैं और इसमें अपन फैराडेज लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से किया जाता है, NaCl के डिफरेंट केसेस लेकर हम चले थे। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फैराडेज लॉ को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फैराडे ने दो लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले अपन फर्स्ट लॉ को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही सेकंड लॉ आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, इसको अपन स्टार्ट करने से पहले, इस लॉ को स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखते हैं कि जब हम एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स हम इस कंटेनर में डिप करते हैं। ये हमारा क्या है, एनोड है, इसको मैं लिख देता हूँ एनोड, और ये हमारा क्या है, कैथोड है। चाहे सेल आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, चाहे सेल आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड लिया जाता है। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। ये आपको दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। एनोड को कैथोड से कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लगा देते हैं, अपने बैटरी लगा देते हैं, इसका प्लस और इसका माइनस। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा इस रॉड पर, और इस पर कौन सा आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। अब सपोज करो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, और वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया हुआ हमने ए माइनस और सी प्लस, कुछ इस तरह से हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आयन्स होंगे, ठीक है, आयन्स जो होंगे कैटायन्स और एनायन्स, ये क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे। आयन्स क्या होंगे बोलो, डिस्चार्ज होंगे, होंगे या नहीं होंगे, आयन्स डिस्चार्ज होंगे, क्लियर है, अपने चार्ज को खत्म करेंगे। कैटायन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लेके चार्ज को खत्म करेगा, किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, कैथोड की तरफ, और एनायन इलेक्ट्रॉन देकर के चार्ज को खत्म होगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स एनायन देगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो कैटायन है वो एक्सेप्ट करेंगे। हमें रिएक्शन इस तरह से लिखनी है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एनायन ने दिए, क्लियर है, एनोड पर जाकर उतने ही इलेक्ट्रॉन कैटायन ले, जिससे रिएक्शन बैलेंस हो जाए। क्लियर हो गई ये कहानी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जैसे अपन इस सेटअप को लगा करके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम करंट डालते हैं तो आयन्स सेपरेट हो जाते हैं पहले, तो उनके बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हो जाता है और ये आयन्स सेपरेट हो जाते हैं और ये आयन्स अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा करके डिस्चार्ज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दे के या इलेक्ट्रॉन ले के। इन सब चीज़ों को डिस्कस हमने किया था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट लॉ क्या बताता है। देखो, बेसिकली फर्स्ट लॉ बताता ये है कि हम यहाँ कितना चार्ज डालें इस बैटरी से, ये एक्सटर्नल सोर्स है, इस बैटरी से हम कितना करंट इस सेल के अंदर डालें, कितना चार्ज इस सेल के अंदर डालें कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए या घट जाए। सपोज करो हमें यहाँ पर एनायन है, इसको यहाँ डिपोजिट कराना है एनोड पर और कैटायन को कैथोड पर, क्लियर है। अगर सॉलिड है तो डिपॉजिट होगा, और अगर कोई गैस है तो वो लिब्रेट हो जाएगी। अगर सॉलिड है तो डिपॉजिट होता चला जाएगा, जैसे कॉपर है तो कॉपर डिपॉजिट होगा, और हाइड्रोजन है तो गैसियस फॉर्म में लिब्रेट हो जाएगी। तो किसी अमाउंट के सब्सटेंस को, क्लियर है, उसके मास को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, चार्ज को बढ़ा के, उसके बीच में एक रिलेशनशिप फैराडे का फर्स्ट लॉ में देता है, क्लियर हो रही है कहानी, ठीक है। तो हम फैराडे फर्स्ट लॉ की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये कहती है, द अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड और लिब्रेटेड मटीरियल, डिपोजिटेड और लिब्रेटेड मटीरियल, समझ गए ना। लिब्रेटेड कौन होगा, गैस, कोई गैस बन रही है तो लिब्रेट होगी, और कोई सॉलिड है तो वो डिपॉजिट होगा। ये क्लियरली डिफाइन है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड या लिब्रेटेड मटेरियल, उसको अपन बोल देते हैं, अमाउंट को अपन क्या लिखते हैं, अमाउंट को हम लिख देते हैं एम से, ठीक है, मास से या एम से, ठीक है, स्मॉल एम से लिख देते हैं, डब्ल्यू से भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड या लिब्रेटेड मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
चार्ज, चार्ज गिवन बाय बैटरी, जो एक्सटर्नल बैटरी हमने लगा रखा है, ठीक है, ये बैटरी चार्ज जो है क्यों देगी इस सर्किट को, क्लियर है। तो जो चार्ज क्यों होगा इस सॉल्यूशन में जब जाएगा, तो वो जितना ज्यादा जाएगा चार्ज, जितना ज्यादा जाएगा उतना ही ज्यादा अमाउंट जो है सॉलिड का डिपॉजिट हो जाए, उतनी ही ज्यादा जो है सेलिब्रेट हो, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहां से जो एक रिलेशनशिप निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है कि जो अमाउंट होगा डिपॉजिटेड अमाउंट या लिब्रेटेड अमाउंट होगा किसी सब्सटेंस का रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज क्यू के, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज क्यू के, क्लियर है यहां पर ये, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनल टू साइन रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा और वो होता है हमारा जेड, क्या होता है जेड। इस जेड को अपन क्या बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूं, एम क्या है पता लग गया, क्यू क्या है पता लग गया, जेड क्या है, देखो जेड है यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट, क्या है बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट है ये, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट, ECEQ, ठीक है, ये होता है हमारा जेड, क्लियर है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट होता है। क्यू यहां पर क्या है, क्यू यहां पर है चार्ज, टोटल चार्ज, चार्ज से मतलब है टोटल चार्ज से, ठीक है। और इसको कैसे निकाल सकते हैं अपन, Q इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी, ये सब जानते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी, फिजिक्स में भी आता है। अगर हम कुछ 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 एम्पियर की करंट को कुछ कुछ समय तक के लिए फ्लो करवाएंगे सर्किट में तो कुछ चार्ज बनेगा, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है आई टी, यहाँ पर जो टाइम लिया जाता है ये ध्यान रखना सेकेंड में आपको लेना है, ठीक है, और जो करंट होगी वो एम्पियर में आपको लेनी है, और चार्ज किस में बनेगा, कूलाम में। और एक चीज ध्यान रखना, एक कूलाम चार्ज क्या होता है, एक एम्पियर इंटू एक सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है, ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है, फिजिक्स से आई है। तो एम इक्वल टू जेड क्यू हो गया। अब कहानी उठती है कि जेड जो होता है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एम इक्वल टू जेड आई टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट जेड की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट जेड जो होता है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट हो रहा है या लिब्रेट हो रहा है, जैसे तो लिब्रेट हो रही है, सॉलिड है तो डिपॉजिट हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे कॉपर डिपॉजिट हो, जिंक डिपॉजिट हो, कोई भी सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है या लिब्रेट हो रहा है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर, क्लियर, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट है ये जेड, ठीक है, किसका है, जो डिपॉजिट हो रहा है या लिब्रेट हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट जेड है, ये एक्चुअली में उस सब्सटेंस के ग्राम इक्वेलेंट वेट अपॉन एफ के रेशो से आता है, ई अपॉन एफ, यानी जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्वेलेंट वेट यहां रख दें और इसमें अपन 1 फेराडे चार्ज को डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाता है हमारा जेड, क्या आ जाता है बोलो हमारा जेड, क्लियर हो रहा है ये चीज, क्या आ जाता है हमारा जेड आ जाता है, ठीक है। जेड को निकालने के लिए ई बाई एफ आपको करना पड़ेगा, क्लियर हो रहा है ये एकदम, ठीक है। यहां पर एफ क्या है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। यहां पर जो एफ है इसको बोलते हैं अपन चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्या होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है उसको कैलकुलेट कर लो भाई, 1 फेराडे बोलते हैं इसको, 1 फेराडे चार्ज। इसको निकालने का तरीका है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं 1 फेराडे चार्ज, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अरे 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 × 10⁻²³, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल आता है, उसे 1 फेराडे बोलते हैं। और ये कितना आता है, ये आता है अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलाम, या तो आपको लिखा मिलेगा नहीं तो आपको ध्यान रखना है 96,500 कूलाम चार्ज होता है 1 फेराडे में, क्लियर है या नहीं है। तो यहां से अपन जेड को भी डिफाइन कर सकते हैं, देखो जेड को कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो जेड को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ को 1 मानना पड़ेगा, यानी सपोज करो हमारे पास सर्किट के अंदर या इस इलेक्ट्रिक बैटरी के द्वारा 1 फेराडे चार्ज दिया जा रहा है, क्लियर है ना, 1 फेराडे चार्ज ही दिया जा रहा है इस बैटरी के थ्रू, हम 1 फेराडे चार्ज इस सेल के अंदर डाल रहे हैं। तो अगर चार्ज हम 1 फेराडे ले लें, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं इफ चार्ज फ्लो इज 1 फेराडे, 1 फेराडे चार्ज मतलब कितना चार्ज, 96,500 कूलाम चार्ज या 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक ही बात है भाई, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कह दो,
चाहे 96,500 कूलम चार्ज कह दो, चाहे 1 फेराडे चार्ज कह दो, अगर 1 फेराडे चार्ज फ्लो हो रहा है बैटरी के अंदर, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्यों लिख सकते हैं, ई के इक्वल, बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 फेराडे चार्ज अगर बैटरी के अंदर फ्लो करवाया जाए, ठीक है, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है किसी सब्सटेंस का, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिपोजिटेड और लिबरेटेड मटेरियल और सब्सटेंस व्हेन वी फ्लो 1 फेराडे चार्ज इन द सेल, क्लियर है, इसे बोलते हैं अपन ईसीई, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, इस तरह से इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर हो रहा है। अच्छा, इसको अपन एक दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, यहां से देखो, यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं अपन, कैसे डिफाइन करेंगे देखो, अगर सपोज करो यहां पर क्यू को हम 1 कूलाम लेते, कितना लेते हैं क्यू को 1 कूलाम, इस इक्वेशन को देखो, ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को देखें एम इक्वल टू जेड क्यू, इसको देखें, अगर क्यू हम कितना ले ले 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम चार्ज फ्लो करवाएं, तो जितना मास डिपॉजिटेड होगा उसी को जेड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताओ, जितना मास जो होगा कैथोड या एनोड की सरफेस पर किसी सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, 1 कूलाम चार्ज फ्लो करवाना पड़ेगा, तो कैसे भी इसके को डिफाइन अपन कर सकते हैं, ठीक है भाई, 1 कूलाम चार्ज कैसे फ्लो होगा वो भी सुन लो भाई, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आईटी होता है, तो हम क्या करेंगे, 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे, फ्लो करेंगे, 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकंड तक फ्लो करेंगे, तो चार्ज कितना बनेगा, 1 कूलाम, ठीक है, 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकंड तक फ्लो कराएंगे, 1 कूलाम चार्ज बनेगा, और 1 कूलाम चार्ज बनने से जो अमाउंट मटेरियल का डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड की सरफेस पर, वो अमाउंट एम जो होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है, क्लियर है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, तो फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, जो मेन इक्वेशन हमारे सामने निकल के आई है उसको मैं वापस से लिख देता हूं, और वो निकल के आई है कि मास जो होता है वो होता है जेड इंटू क्यू के इक्वल, ठीक है, जो मेन बुक्स में डेफिनेशन इस जेड की दी हुई होती है वो होती है कि क्यू इक्वल टू अपन को 1 कूलाम मानना पड़ता है, सपोज करो क्यू इक्वल टू 1 कूलाम है, लेट वी से क्यू इक्वल टू 1 कूलाम, क्लियर है, तो एम इक्वल टू हो जाता है फिर जेड, किसके इक्वल हो जाता है, एम इक्वल टू जेड, तो जो डेफिनेशन बन रही है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड की, ठीक है, वो क्या बन रही है हमारे पास, वो क्या बन रही है, When 1 कूलाम चार्ज, ये डेफिनेशन बुक्स में लिखी होती है तो ये लिख लो आप, When 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन सर्किट then deposited कह दो चाहे liberated, अगर गैस है तो liberated बोलेंगे, deposited और liberated, ठीक है, deposited और liberated amount of substance called Z, क्लियर हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं जेड। अच्छा, अगर जेड की यूनिट पूछे कोई तो क्या लिखोगे, ठीक है, अगर जेड की यूनिट पूछे तो मैं बता देता हूं, यूनिट ऑफ जेड, जेड की यूनिट क्या होगी, ठीक है, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन क्यू हो जाए, नहीं होगा, ठीक है, तो यूनिट बनेगी हमारी एम की, अगर हम ग्राम में लें इसको ग्राम में और क्यू को कूलाम में, क्लियर है, तो जेड की क्या बनी, ग्राम कूलाम इनवर्स, ये यूनिट हम लिख सकते हैं, क्लियर है, अगर क्यू को आईटी करके लिखते हैं तो एम्पियर इनटू सेकंड आ जाएगा, तो एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लेकिन ये जनरली यूज होती है, ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है, क्लियर हो गया है? अच्छा, वापस से मैं बता देता हूं, जो जेड होता है हमारा, ठीक है, जेड ये कहां से आता है, ये आता है एक्चुअली में इस कॉन्सेप्ट से कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अपॉन एफ, इस रेशो को अपन जेड बोलते हैं, जेड होता है ई बाई एफ, क्या होता है जेड, ई बाई एफ, जेड क्या होता है बोलो, ई बाई एफ, तो ई क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट है ई, किसी भी सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हो रहा है उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और ये कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, ये निकालते हैं जो उस सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की बात हम कर रहे हैं
क्लियर है ना, उसका मोलर मास अगर आपको पता हो और उसमें आप जेड फैक्टर से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, मोलर मास को जेड फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाता है हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। जैसे मोलर वेट होता है, मोलर मास होता है, ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, उस सब्सटेंस का मोलर मास अपॉन जेड फैक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जैसे सपोज करो कॉपर है हमारे पास, कॉपर प्लस टू आयन दो इलेक्ट्रॉन लेकर के, कॉपर कैटायन है तो कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा कैथोड पर जाएगा, बोलो एनोड पर जाएगा कैथोड पर जाएगा, कॉपर कैटायन है तो कॉपर कैटायन कैथोड पर जाएगा, नेगेटिवली चार्ज है ना कैथोड, ठीक है, तो कैथोड पर जाकर के वो प्रॉपर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना। तो हम कहेंगे साहब कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होगा कॉपर का वो कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे उसका एटॉमिक मास, भाई एम एटॉमिक मास है, अगर एटम है तो मॉलिक्यूल है तो मोलर मास है, तो एटॉमिक मास है मोलर मास कितना होता है कॉपर का 63.5 अपॉन जेड फैक्टर, यहाँ पर क्या है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन से मतलब है, यहाँ पर जितने भी केस होते हैं वो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन को ही जेड फैक्टर से यहाँ पे बताते हैं। वैसे एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, सबके लिए अलग अलग निकलता है, लेकिन अभी जो केस पढ़ेंगे अपन फैराडे लॉ में, उनके लिए जेड फैक्टर होगा ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है वो देख लो, दो का, तो यहाँ पर दो से डिवाइड कर देंगे, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, मोलर मास जो है एटॉमिक मास जो है उसकी आधी यानी हाफ आएगी। इस तरह से अपन ये ई को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एम अपॉन जेड फैक्टर होता है ई, ठीक है, यहाँ से ये क्या निकल रहा है हमारा जेड निकल रहा है, ठीक है ना। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट का रेशियो होता है, ठीक है। एफ क्या है, यहाँ पर एफ है चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू अपन जानते हैं, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम। क्लियर हो रहा है सब कुछ, ये नहीं हो रहा, ठीक है। एम इक्वल टू जेड क्यू होगा, अगर आपको इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूले को एक्सटेंड करके भाई अपन क्या लिख सकते हैं, एम इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है, ई क्यू अपॉन एफ, क्या लिख सकते हैं, ई क्यू अपॉन एफ लिख सकते हैं, जेड की जगह ई बाई एफ लिख दिया, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं एम इक्वल टू ई आई टी बाई एफ, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, तो ई आई टी बाई एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया ये, ठीक है। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला लगा लो इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्लियर है। अच्छा, ई क्या होता है, ई होता है हमारे पास मोलर मास अपॉन जेड फैक्टर, तो एम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोलर मास, ये देखो मास है डिपोजिटेड मास और ये मोलर मास है, मोलर मास आई टी अपॉन ये हो गया हमारा जेड फैक्टर इंटू एफ, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किस तरह से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल आया हमारे पास, क्लियर हो गया। तो इन सब फॉर्मूलेज को आप रिमाइंड जरूर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन इसका एक दो न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर लेते हैं, क्लियर हो रहा है एकदम, चलो। तो देखो न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल से उसको देख लेते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको अपन नोट कर लेते हैं, यह आपने नोट कर ही लिया, फैराडे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड ही है क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ क्या होता है, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं, अप टू द डिपॉजिटेड और लिबरेटेड अमाउंट of any material on electrode surface is directly proportional to electrical charge flow in the circuit. जितना circuit में charge flow हो रहा है, ठीक है ना, वो कितना है उसको देखो पहले, ज्यादा है तो amount भी ज्यादा deposited होगा। M proportional to Q, Z Q, Z क्या है यहाँ पर electrochemical equivalent, वो हो गया E by F, E क्या हो गया molar mass upon Z factor वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अपन ने देखी। अब देखो question, देखो numerical आप मेरे साथ ही नोट कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। फाइंड द एम्पियर, फाइंड द अमाउंट, क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन हम यहां पर कर लेते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है उस अमाउंट को निकालना है व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड, व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड, करंट इज यूज 5 एम्पियर की करंट यूज हो रही है फॉर 1 आवर, टाइम भी दे दिया फॉर 1 आवर, टाइम को सेकंड में लेते हैं, मैंने बताया था ये आवर में दिया हुआ है, टू इलेक्ट्रोलाइज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, और कॉपर सल्फेट के लिए जो एटॉमिक मास दिया हुआ है कॉपर का वो दिया हुआ है, मैंने बताया था 63.5 एटॉमिक मास कितना होता है कॉपर का 63.5, ठीक है।
और 1 फेराडे की वैल्यू 96,500 कूलाम दी हुई है यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम बताओ, ठीक है। तो अब इसका आंसर किस तरह से निकालना, ऑप्शन दे देता हूँ। ए है हमारा 4.2 ग्राम, बी है हमारा 5.8 ग्राम, सी है हमारा 6.6 ग्राम और डी है हमारा 8.2 ग्राम। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा बोलो, ठीक है। तो अब हम किस तरह से इसको सॉल्व करें कि हमारा आंसर आए, ठीक है। तो अपन को निकालना क्या, अमाउंट ऑफ कॉपर निकालना है जो डिपॉजिट हो रहा है। 5 एम्पीयर की करंट यूज कर रहे हैं 8 आवर तक, तो इलेक्ट्रोलाइज कराना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, ठीक है। तो अमाउंट कॉपर का कितना डिपॉजिट होता है, इसके दो मेथड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, एक इधर और एक इधर। इधर वाला मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको अपन बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इससे अपन को ये पता चल जाता है कि फॉर्मूला किस तरह से बना होगा, यूनिटरी मेथड। इसको बाद में यूज करेंगे, पहले फॉर्मूले से देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, देखो पहले देखते हैं गिवन अमाउंट हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें मास निकालना है, ठीक है, क्लियर है। और हमें क्यू नहीं दे रखा है चार्ज, उसकी जगह हमें करंट दे रखा है 5 एम्पीयर का, और साथ में हमें टाइम दे रखा है 1 आवर का, ठीक है। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड क्यू। क्लियर हो गया, नहीं होगा। अब जेड कैसे निकालेंगे अपन, भाई जेड मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ई, ठीक है, ई बाई एफ। क्लियर है, ई बाई एफ से निकालेंगे, ठीक है। या जेड को क्या लिख सकते हैं, ई क्या होता है, अटोमिक मास अपॉन जेड फैक्टर, या एक्स फैक्टर बोल दो, ठीक है। मतलब आप क्या करो, इसमें अलग से निकाल लो, जेड इक्वल टू ई बाई एफ हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे हम, एटॉमिक मास जो कॉपर का दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे हम दो। दो से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कॉपर प्लस टू आयन होगा ना सॉल्यूशन में, कॉपर प्लस टू आयन होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन चेंज 2 है, तो जेड फैक्टर 2 हो गया ना, तो एटॉमिक मास में 2 से डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल मास आ जाएगा, इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा हमारे पास कॉपर का। तो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 63.5, जो हमें मास दिया हुआ अपन डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। एफ दिया हुआ है, जेड की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारे पास क्या रखेंगे, ई बाई एफ। ई कितना है, 63.5 इंटू क्यू क्या है बोलो, चार्ज, चार्ज क्या होता है, आई इंटू टी। आई कितना है देखो, 5 एम्पीयर, तो 5 रख दिया। इंटू टाइम देखो 1 आवर, अब 1 आवर को सेकेंड में बदलना पड़ेगा, कैसे बदलेंगे, 1 इंटू 60 मिनट आ गए, इंटू फिर से 60 कर दो, ठीक है। तो ये किसमें आ गया हमारा, सेकंड में आंसर। अपॉन क्या कर देंगे, अपॉन हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इनटू एफ, सॉरी 96,500। क्लियर है, सारी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5.8 ग्राम। कितना आएगा, 5.8 ग्राम। ये तो हो गया इसका फॉर्मूले से निकालने वाला तरीका। अब यूनिटरी मेथड हो रहा है इसका, यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसे पता चल जाता है कि फॉर्मूला किस तरह से बना होगा। देखो वो कैसे निकालेंगे, जरा इक्वेशन लिखो इलेक्ट्रोलिसिस की, कॉपर प्लस टू आयन कैथोड की तरफ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा। यही कहानी चलेगी कि नहीं बोलो, चलेगी। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, 1 मोल कॉपर, यहाँ पर ये 1 मोल कॉपर, 1 मोल कॉपर मतलब कितने ग्राम कॉपर, 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट कराने के लिए कितना चार्ज लग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, कितना अमाउंट डिपॉजिट कराने के लिए, इतना अमाउंट डिपॉजिट कराने के लिए। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने फेराडे चार्ज है, 2 फेराडे चार्ज। या अपन ऐसे कहेंगे कि ये कितना चार्ज है, 2 × 96,500 कूलम चार्ज। समझ रहे हो ना, एक फेराडे में कितना होता है, 96,500 कूलम चार्ज होता है। तो 2 फेराडे चार्ज लग रहा है, पर कैसे पता लगा, अरे 2 मोल इलेक्ट्रॉन है ना ये, 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट कराने के लिए, मतलब 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट कराने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फेराडे चार्ज चाहिए। 2 फेराडे चार्ज मतलब कितने कूलाम चार्ज, 2 × 1 फेराडे में जितना कूलाम होता है, 96,500 कूलाम। तो इतना चार्ज जब दोगे तो हमारे पास डिपॉजिट होगा 63.5 ग्राम क्या डिपॉजिट होगा हमारे पास, कॉपर डिपॉजिट होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 एम्पीयर को 1 घंटे तक फ्लो करा रहे हैं, तो 5 एम्पीयर को 1 घंटे तक फ्लो करा रहे हैं, तो हम क्या निकालेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है, चार्ज निकाल लो बस, क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 एम्पीयर इंटू 1 × 60 × 60 कूलाम, ये ऐसे निकाल लेंगे ना, करंट इंटू टाइम कर दिया ना सेकंड में, तो कूलाम में बन गया चार्ज। तो इतना चार्ज फ्लो करा दे तो कितना डिपॉजिट होगा, यही तो निकालना है भाई। हम अगर इतना चार्ज बैलेंस इक्वेशन से देखो, इतना चार्ज डालते हैं तो इतना अमाउंट कॉपर का डिपॉजिट होता है। क्लियर है, तो 1 कूलाम चार्ज डालेंगे तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, 63.5 अपॉन 2 × 96,500
होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे पास एक कूलम चार्ज नहीं, हमारे पास कितना कूलम चार्ज है, इतना। तो इतना कूलम चार्ज डालेंगे 5 × 1 × 60 × 60, इतना कूलम चार्ज डालेंगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, एक कूलम से जितना डिपॉजिट होता है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना भी चार्ज है कूलम में, यानी 5 × 60 × 60 × 1। बोलो ये चीज और ये चीज सेम है या नहीं। देखो 63.5 × 5 × 60 × 60 / 2 × 96, यानी ऐसे फॉर्मूला बना और आंसर आएगा हमारा कितना 5 × 8, आंसर आएगा 5 × 8 ग्राम। क्लियर हो गया। देखो ये क्या है 63.5 क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एटॉमिक मास, ठीक है। ये क्या है जेड फैक्टर, कॉपर पर इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हो रहे, 2, ठीक है, इनटू 96,500 क्या है एफ की वैल्यू है। क्लियर है ये सारी चीजें। और ये क्या है हमारे पास आई टी, यही तो है फॉर्मूला, बोलो यही है ना भाई। आई टी क्या होता है क्यू, और स्मॉल एम क्या होता है ई बाई एफ, और ई क्या होता है एम बाई जेड फैक्टर। तो कैसे भी कर लो इसको, ठीक है ना, यूनिटरी मेथड इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें टाइम कम बचता है और आपको कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है कि हाँ किस तरह से ये अमाउंट डिपॉजिट हो रहा होगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके नोट करो इसको, ठीक है। चलो तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। ए चार्ज ऑफ 1 फैराडे डिपॉजिट्स, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग। ए चार्ज ऑफ 1 फैराडे डिपॉजिट्स, अगर 1 फैराडे चार्ज हम सर्किट में दें तो क्या डिपॉजिट होगा। ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन ए है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। ऑप्शन बी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, सी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, या डी 1 AMU ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, 1 AMU ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, डिपॉजिटेड अमाउंट क्या होता है फैराडे के फर्स्ट लॉ से निकलता है, डिपॉजिटेड अमाउंट होता है कितना जेड क्यू, और जेड क्या होता है ई अपॉन एफ इंटू क्यू, इस तरह लिखेंगे। क्लियर है। अब कह रहा है 1 फैराडे डिपॉजिट, ठीक है, ये क्या हो गया 1 फैराडे, एफ की वैल्यू 1 हो गई ना, 1 फैराडे चार्ज है, 96,500 कूलम चार्ज हमने डाला हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा इतना चार्ज जब देंगे, क्लियर हो रहा है ना, इतना चार्ज जब हम देंगे, देखो सॉरी एफ इक्वल टू 1 नहीं होगा, चार्ज तो क्यू है ना यहाँ पर, एफ तो कॉन्स्टेंट है, जो क्यू है ना क्यू, ये हम 1 फैराडे दिया, जो क्यू हमें दिया हुआ कितना दिया हुआ है 1 फैराडे दिया, यानी आई और टी की वैल्यू ऐसे सेट करनी है कि चार्ज 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे बन जाए। अरे क्यू इक्वल टू आई टी होता है, कोई डाउट नहीं। अब आई की और टी की वैल्यू हमने ऐसे सेट करी है, ठीक है ना, तो उससे हमें जो उसके मल्टीप्लीकेशन से जो हमें निकल के आ रहा है आंसर, वो आ रहा है 96,500 कूलम। क्लियर है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1F ही तो हुई, तो ऐसे 1F होगी। तो जरा देखना m इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू 1F अपॉन 1F नीचे, ये कैंसिल, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, e मतलब अरे कितना अमाउंट डिपॉजिटेड होगा, m जितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट है उस सब्सटेंस का, ठीक है ना, यानी ऑप्शन क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, 1 फैराडे चार्ज से उस सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट नहीं होगा। 1 मोल का मतलब होता है मोलर मास, कितना होता है बोलो मोलर मास, और मोलर मास के इक्वल डिपॉजिट थोड़ी ना होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट तो मोलर मास अपॉन जेड फैक्टर होता है ना, क्लियर है ना, तो मोलर मास और ई थोड़ी सेम होते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, मोलर मास के इक्वल नहीं होगा। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस तो मोलर मास हो गया, क्लियर है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हो गया नहीं डिपॉजिट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, उसके इक्वल जो है मास वो डिपॉजिट होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड सी। क्लियर हो गया एकदम ये, ठीक है। और अब अपन स्टार्ट कर देते हैं इसमें सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। क्लियर है, फैराडे सेकेंड लॉ। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड लॉ जो होता है ये आप फर्स्ट लॉ के बाद ही अच्छे से समझ सकते हैं जो हमने सीख लिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ।
फैराडे के सेकंड लॉ में ज़्यादा बातें ज़्यादा नहीं है, बस सिंपल डेफिनेशन है और सीधा आपको समझ में आ जाएगा लॉ। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे बैटरीज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद एक लास्ट टॉपिक करोजन और बचेगा, क्लियर है। तो देखो, फैराडे की अगर सेकंड लॉ की हम बात करें तो वो क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। इफ सेम अमाउंट, मैं यहां डाल देता हूं फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, बहुत ही सिंपल है। इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो इन डिफरेंट इलेक्ट्रो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन then deposited amount of substance at respective electrode is proportional to its equivalent weight E। ये है लॉ। देखिए दोबारा समझो, अगर हम सेम इलेक्ट्रिकल चार्ज को अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालें, तो हर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक एनोड और एक कैथोड होगा, तो उन इलेक्ट्रोड की सरफेस पर जो भी चीज डिपॉजिट हो रही होगी उसका कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल में होगा। अमाउंट जो होगा ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी एम, ये प्रोपोर्शनल होगा ई के, हर एक इलेक्ट्रोड की सरफेस पर। समझ में आ रही है कहानी? अब ये बात आती है इलेक्ट्रिकल चार्ज सेम कैसे डालेंगे, सीरीज में रख के डालेंगे। ये बात तय समझो कि क्यू इज इक्वल टू होता है आई टी, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां पर आई जो है ना करंट, ये भी सेम रहेगी हर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और करंट सेम कब रहती है, जब सीरीज में जोड़ते हैं। अपन पढ़ा ना फिजिक्स में, जब हम सीरीज में सेल्स को जोड़ दें, भाई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने तीन चार इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिए, समझ रहे हो, सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा, भाई तीन चार इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्ट कर दिए आपने, तो जितनी एम्पियर की करंट पहले सॉल्यूशन में जाएगी उतनी दूसरे में जाएगी, उतनी तीसरे में जाएगी, सीरीज में करंट सेम रहती है। किरचॉफ लॉ कहता है सीरीज में करंट क्या रहती है, सेम रहती है। और टाइम भी आपको सेम ही रखना है, जैसे 5 घंटे तक आपने करंट फ्लो किया तो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में 5 घंटे ही करंट फ्लो होगा, तो आई भी सेम है टी भी सेम है, तो दोनों सेम है तो क्यू भी सेम हुआ ना, सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज सेम ही गया, क्लियर है नहीं है। तो देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक हमने इलेक्ट्रोलाइट सपोज करो ये लगा दिया और एक इलेक्ट्रोलाइट हमने ये लगा दिया, ये दो इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट का ये क्या है एनोड, ये क्या है कैथोड, ऐसे इस इलेक्ट्रोलाइट का ये क्या है एनोड, ये क्या है कैथोड, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं हम इस तरह से बैटरी लगा करके, इस तरह से, ठीक है, ये 2-3 प्लेट्स हमने यहाँ पर शो कर दी है, इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बन गया हमारा एनोड बन गया, ठीक है, ये क्या हो गया माइनस, तो ये क्या बन गया कैथोड बन गया। अब इनको फिर एक वायर से अपन इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं बाकी को, ये प्लस है तो इसके साथ ये क्या बनेगा माइनस, तो ये क्या बनेगा माइनस है तो ये प्लस, ठीक है, तो ये कैथोड बन गया, ये एनोड बन गया, ये कैथोड बन गया, ये एनोड बन गया, ये कैथोड, तो एनोड कैथोड एक सेल, एनोड कैथोड दो सेल, सीरीज में कनेक्ट है, दो सेल किसमें कनेक्ट है, तीन भी ले सकते हो, चार भी ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो आप, सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए ये, ठीक है। इधर हमने भर दिया सपोज करो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, इधर भर दिया हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, क्लियर है नहीं है?
और हमने कुछ करंट फ्लो करी, तो आप जितनी भी करंट डालोगे ना तो वो करंट इसमें भी सेम रहेगी। जैसे 5 एम्पीयर की करंट आपने यहाँ से दी एक्सटर्नल सोर्स से, तो 5 एम्पीयर तक यहाँ पहुँचेगी और 5 की यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है। सीरीज में जितने भी अपैरेटस लगे हुए इसमें करंट सेम रहेगी, ठीक है, और टाइम भी आपने सेम ही रखा, तो चार्ज दोनों में सेम गया। क्लियर है नहीं? क्लियर है नहीं? बोलो। तो हम यहाँ पर कितना डिपोजिटेड, जिंक की बात करें तो जिंक कैटायन होगा, ये जिंक कैटायन कहाँ डिपोजिट होगा, यहाँ कैथोड पर जाकर, और यहाँ कॉपर कैटायन डिपोजिट होगा इसके कैथोड पर जाकर। तो इनका जो अमाउंट होगा, जो मास होगा, डिपोजिटेड मास, डिपोजिटेड मास जो होगा ना जिंक का, ठीक है, उसको अपन क्या लिखेंगे, उसको अपन लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिंक का, ठीक है ना, इनटू क्यू। क्लियर है नहीं? और इधर क्या लिखेंगे, मास ऑफ कॉपर इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इनटू क्यू। ये फैराडे फर्स्ट लॉ से लिख रहा हूं मैं, फैराडे फर्स्ट लॉ से लिख रहा हूं। अरे जिंक कितना डिपोजिट होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कितना अमाउंट डिपोजिट होगा जिंक का, ये किसके प्रोपोर्शनलिटी होगा, ये चार्ज कितना दिया है। ऐसे कॉपर कितना डिपोजिट होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, कितना चार्ज दिया है। तो चार्ज तो सेम ही दिया, इसलिए Q1 Q2 थोड़ी लिखूंगा, क्यों ही तो लिखूंगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिंक का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, क्योंकि एटॉमिक मास जिंक का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है। चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर दो ही हो रहा है, यहाँ भी जेड फैक्टर दो ही है। क्लियर हो रही है कहानी, ठीक है, क्लियर सी बात है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, E को ओपन कर देते हैं, तो E को अपन क्या लिख सकते हैं, जेड बाई एफ। क्लियर है? क्या लिख सकते हैं अपन, जेड बाई एफ, ठीक है, क्लियर है नहीं है? देखिए यहां पर E नहीं आएगा, सॉरी जेड आएगा, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड होता है, ठीक है, बाई मिस्टेक, सॉरी जेड आएगा। तो जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जिंक, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। अब जेड को ओपन करेंगे तो फिर ई आएगा, मास कितना अमाउंट जो डिपोजिटेड हुआ इक्वल टू ई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिंक का अपॉन एफ इनटू क्यू। क्लियर हो रहा है, ठीक है। और इसको कैसे लिख देंगे, एम कॉपर इक्वल टू यहां लिख देंगे ई कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कॉपर का अपॉन एफ इनटू क्यू। क्लियर है? अब अपन को करना कुछ भी नहीं है, दोनों का रेशो ले लो, यानी हमको क्या करना है, मास ऑफ जिंक अपॉन मास ऑफ कॉपर लिख लेंगे। तो मास ऑफ जिंक अपॉन मास ऑफ कॉपर करेंगे तो ये क्यू और ये एफ ये दोनों तो क्रॉस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जिंक ऊपर बचेगा क्योंकि प्रोपोर्शनल है मास के, अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। क्लियर हुआ? ये है सेकंड लॉ। क्लियर है ना? तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं कि जो मास डिपोजिट हो रहा है वो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यही तो मैंने कहा है, क्लियर है ना? अरे यहां जिंक का जितना मास, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शन में डिपॉजिट होगा। क्लियर है नहीं? सपोज करो अगर इसका 5 ग्राम मास डिपॉजिट हो रहा है किसी सब्सटेंस का यहां पर, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है हमारे 10 और मास 5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर है नहीं? अब अगर हम किसी कोई ऐसा सब्सटेंस लें, जैसे सपोज करो मैं आपको बता दूं, अगर किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 10 है और उसका 5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, क्लियर है ना, तो ये कहानी होगी। अब मैं कह रहा हूं ऐसा कोई सब्सटेंस लें जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 20 हो, कितना हो बोलो 20, तो मास कितना डिपॉजिट होगा, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डबल हुआ तो मास भी डबल डिपॉजिट होगा उतने ही करंट से। क्लियर है नहीं है? तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं या प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का सेकेंड लॉ। क्लियर है नहीं है बोलो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये दो लॉस पढ़े हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहां पर नया टॉपिक, और वो है बैटरीज का। कौन सा टॉपिक है? बैटरीज का टॉपिक है, ठीक है, कि बैटरीज क्या होती है और बैटरी जो होती है वो किस तरह से काम करती है, कौन कौन सी बैटरीज होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से देखने वाली बात यहां पर ये है कि बैटरी क्या है। देखो सोचो थोड़ा, अभी तक हमने सेल पढ़ ली, सेल को ही एक्चुअली में हम बैटरी कह सकते हैं। कैसे? जब एक से ज्यादा सेल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में तो बैटरी बन जाती है। यानी बैटरी क्या है, इट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सेल्स। अच्छा, अब कहानी आती है सेल कौन सा होना चाहिए। पहले तो हम हेडिंग लगा लेते हैं बैटरीज, हेडिंग लगा लेते हैं हम क्या, बैटरीज। और बैटरीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बैटरीज क्या है, ये सेल ही है एक तरह से, बस बहुत सारे सेल्स को जोड़ दिया गया है। क्लियर? अब हम ये देख लेते हैं कि बैटरी जो होती है ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो काम होता था वो यहाँ होगा। यानी बैटरी क्या करेगी, बैटरी केमिकल एनर्जी को या केमिकल इनपुट जो आ रहा है हमारे पास,
जो केमिकल एनर्जी हमारे पास है उसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको अपन बैटरी बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम यूज करेंगे, यूज्ड इन वॉचेस, जैसे घड़ियों में, ठीक है, रिस्ट वॉच होती है, क्लॉक वॉच होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। हियरिंग एड्स सुनने के लिए, हियरिंग एड्स कान की मशीन होती है ना, ठीक है ना, उसमें भी काम आती है, क्लियर हो रहा है, हियरिंग एड्स में काम आती है, ठीक है। और इसके अलावा हम ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरी लगाते हैं, ठीक है ना, वो भी यही होती है, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, मोबाइल में जो बैटरी लगाते हैं, ठीक है, वो भी यही होती है, स्पेस प्रोग्राम में भी काम आते हैं ये बैटरी, स्पेस प्रोग्राम्स में भी यही बैटरीज काम आती है, क्लियर। तो इस तरीके की चीजें बैटरी के अंदर हम पढ़ते हैं, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बहुत सारी चीजों में यूज ले सकते हैं, क्लियर हो रहा है, न्यूरो बोलो। अब बैटरी के टाइप की बात करते हैं, वे तो पता लग जाए, ये केमिकल इनपुट अगर देंगे तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकलेगा बैटरी से, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकलेगा। अब बैटरी एक्चुअली में दो टाइप की होती है, ठीक है, एक होती है हमारी प्राइमरी बैटरीज, एक कौन सी है हमारी प्राइमरी बैटरीज, ठीक है, और सेकंड हमारी कौन सी है, सेकंड है सेकेंडरी बैटरीज, सेकंड कौन सी है हमारी सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है। अगर हम बात करें प्राइमरी बैटरीज की, तो प्राइमरी बैटरीज आर दोज बैटरीज विच आर नॉन रिचार्जेबल, रिचार्ज नहीं किया जा सकता, नॉट रिचार्जेबल, यानी इनको एक बार अपन काम में ले सकते हैं बस, जब इनका आउटपुट आना बंद हो जाता है, यानी सारी केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है अंदर की, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होना बंद हो गई तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से बनेगी भाई, केमिस्ट्री विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एनोड और कैथोड की सरफेस पर जब तक होती रहेंगी प्रॉपर तरीके से बिना प्रॉब्लम, तब तक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी, और जैसे ही बंद हुई तो ये बंद हो जाते हैं, तो खत्म हो जाते हैं ये सेल, यानी यूज एंड थ्रो हो जाते हैं, एक बार काम में लेते हैं फेंक देते हैं, ठीक है। तो नॉट रिचार्जेबल सेल्स, नॉट रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, इनका जो वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है, मतलब इनको कम नहीं किया जा सकता, फिक्स वोल्टेज होता है, प्राइमरी बैटरीज का जो वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है, जैसे 1.5 वोल्ट का अगर सेल है तो वो फिक्स ही रहेगा, अगर कोई फैक्टर उसको चेंज नहीं करता है तो, क्लियर है, तो फिक्स ही रहता है, बाकी सेकेंडरी में अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, इनपुट लगा के चेंज कर सकते हैं। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं, दोज बैटरीज विच रिचार्जेबल अगेन एंड अगेन, इन्हें अपन रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल, कैसी होती है, रिचार्जेबल अगेन एंड अगेन, कई बार इनको रिचार्ज कर सकते हैं, यूज एंड थ्रो नहीं होती, ठीक है। और वोल्टेज कैन बी चेंज, इसके वोल्टेज को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, वोल्टेज कैन बी चेंज, ये भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी बैटरीज के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, तो प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं इसमें अपन को दो टाइप के एग्जाम्पल, देखो प्राइमरी बैटरीज में जो एग्जाम्पल पढ़ना है वो ड्राई सेल का पढ़ना है, किसका पढ़ना है, ड्राई सेल का। और ड्राई सेल जो होते हैं, मतलब ड्राई इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल नहीं होता जो लिक्विड फॉर्म में हो, सारी चीजें सॉलिड फॉर्म में ही दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ड्राई सेल में अपन को दो सेल पढ़ने, ड्राई सेल मतलब ड्राई बैटरीज, इसमें अपन को दो पढ़ना है, एक तो पढ़ना है लैकलांशे सेल या लैकलांशे बैटरी, क्या पढ़ना है, लैकलांशे सेल पढ़ना है एक तो अपन को, ठीक है। और दूसरा जो अपन को पढ़ना है वो पढ़ना है अपन को मर्क्यूरी सेल, कौन सा पढ़ना है, मर्क्यूरी सेल, ये इन दोनों को अपन ड्राई सेल बोलते हैं। तो आज अपन लैकलांशे सेल और मर्क्यूरी सेल कवर करेंगे, और फिर क्या नेक्स्ट वीडियो में सेकेंडरी बैटरीज देखेंगे, ठीक है। अच्छा, लैकलांशे सेल का कोई यूज है क्या, ठीक है, ये अपन इसी में बताएंगे, स्टार्ट करेंगे जब। सेकेंडरी बैटरीज की अगर बात करें जो बार बार रिचार्ज की जा सकती है, उसमें अपन दो पढ़ेंगे, ठीक है, एक पढ़ेंगे अपन लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, या लेड एसिड बैटरीज भी बोलते हैं इसको, लेड स्टोरेज बैटरी जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, जैसे स्कूटी एक्टिवा गाड़ी इनमें काम आती है, लेड स्टोरेज बैटरी, इन्वर्टर वगैरह में काम आने वाली बैटरी है लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। और जो बी होती है हमारी वो होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये पढ़ेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी सेकेंडरी बैटरीज ही है, इन बार बार इनको रिचार्ज कर सकते हैं, यूज ऑन थ्रो नहीं कर सकते, इनको स्पेस प्रोग्राम में भी अपन यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स को, ठीक है ना, क्लियर है नहीं। और ये लेड स्टोरेज बैटरी हो गई, ये दोनों रिचार्जेबल टाइप की होती हैं, ये दोनों नॉन रिचार्जेबल टाइप की होती है, एक बार यूज करो फेंको, उस तरीके की होती हैं दोनों।
लैचलांसे सेल और मर्क्यूरी सेल। क्लियर हो रहा है ये दोनों चीज़ यहाँ से? इन दोनों को अपन ड्राई सेल भी बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं लैचलांसे सेल जल्दी से, उसके बाद अपन मर्क्यूरी सेल, बस इन दोनों सेलों को और कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, प्राइमरी बैटरीज जिन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इनका जो पोटेंशियल होता है, ठीक, वोल्टेज वो फिक्स होता है, ठीक है। बैटरीज में सबसे पहले आ रही है प्राइमरी बैटरीज, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आ रही है? प्राइमरी बैटरीज, ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी बैटरीज को लें तो इसमें ड्राई सेल अपन को पढ़ना है, और ड्राई सेल दो तरीके के हैं। सबसे पहला लैचलांसी सेल, ठीक है। सबसे पहला क्या है? लैचलांसी सेल, LAC LANCH, लैचलांसी सेल, ठीक है। तो नोट कर लो, लैचलांसी सेल। तो देखो लैचलांसी सेल जो होता है, ये हम जानते हैं प्राइमरी बैटरी है, मतलब पहली चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है, नॉट रिचार्जेबल, नॉट रिचार्जेबल पहली चीज हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कौन सी होगी लैचलांसी सेल के बारे में सोचो, ठीक है। इसका जो वोल्टेज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट तक का करंट दे सकता है ये, यानी अगर कोई डिवाइस 1.5 वोल्ट तक काम करती है तो उसमें ये बैटरी लगा के हम उसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो 3 वोल्ट का करंट लेना है तो दो लगा दो, जैसे बड़े बड़े टॉर्च नहीं है तो उसमें दो तीन लगा के रखते हैं अपन, निप्पो के बड़े बड़े सेल, वही समझ रहे हो ना। तो वोल्टेज एक का होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अगर अपन बात करें नॉट रिचार्जेबल है लैचलांसी सेल, ठीक है। सेकंड, इसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट आ रहा है, क्लियर हो रहा है यहां से देखो, ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं इसका कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर क्या होती है, और एनोड कैथोड पर कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, टोटल सेल रिएक्शंस क्या होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ इस तरह का अपन को दिखाई देता है इसमें, ठीक है, इस तरीके का होता है ये कुछ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले एरिया को छोड़ करके ऊपर से हम कोटिंग कर देते हैं, देखो ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, जिससे करंट फ्लो ना हुआ, मतलब करंट का जो एक्सपोजर है वो बाहर की तरफ ना आए, इससे बचने के लिए इस तरह से कर देते हैं। ये ऊपर कैप है, ये ऊपर क्या है, कैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैप है, यहाँ पर प्लस लिखा रहता है, नीचे माइनस, वो सारी चीजें आपको पता है। यहाँ पर क्या लिखा रहता है, प्लस लिखा रहता है, ध्यान से देखो निप्पो के सेल को, या माइनस लिखा रहता है, या जो टाटा स्काई का रिमोट है और रिमोट होते हैं उनके अंदर डाले हुए सेल को देखो, वो भी यही है। अब क्या करते हैं, ये जो जिंक है, ये जिंक का कंटेनर होता है, जिंक का कंटेनर, ये एनोड की तरह काम करता है, ठीक है। अरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी तो एनोड होता है जिंक, ठीक है, डैनियल सेल में, तो जिंक एनोड की तरह यहाँ पर काम कर रहा होता है, ठीक है। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि सीधे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही तो है बैटरी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, तो वहाँ एनोड माइनस ही तो होता है, लॉन ट्रिक, ठीक है, और प्लस हो जाएगा कैथोड। अब यहाँ पर कैथोड किसका बना होता है, तो कैथोड जो है ग्रेफाइट यहाँ पर डालते हैं, देखो अपन इस तरह से एक ग्रेफाइट की रोड डालते हैं, लेकिन उस ग्रेफाइट की रोड को नीचे टच नहीं करते, टच थोड़ी करेंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, एनोड अलग है कैथोड अलग है। ये ग्रेफाइट की ऐसे रोड होती है, कभी उस सेल को तुमने फोड़ा हो तो इस तरीके की ब्लैक ब्लैक निकलेगी, और इसके चारों तरफ एक पेस्ट भरा होता है, इसके चारों तरफ पेस्ट भरा होता है। ये पेस्ट किस किस का होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखो ये हो गया हमारे पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन ही होता है, ठीक है ना, कार्बन का एलोट्रॉप होता है, ये डाल देते हैं रॉड की तरह। ये हमारे पास कैथोड होगी टिप, कैथोड किसका होता है, ग्रेफाइट का होता है, लेकिन ग्रेफाइट अकेला कैथोड की तरह काम नहीं करता, सुन लो, क्योंकि ग्रेफाइट तो इनर्ट है ना, मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट तो इनर्ट होता है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ एक पेस्ट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का पेस्ट, पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या होता है इसके चारों तरफ, बोलो, पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है इसमें अमोनियम क्लोराइड, इन सब का रोल मैं आपको रिएक्शंस के ड्यूरिंग में बताऊंगा। एक होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, सॉल्ट है, एक भरा होता है इसमें जिंक क्लोराइड, और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाउडर, मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर, ठीक है, और एक होता है कार्बन ब्लैक, क्या होता है, कार्बन ब्लैक। ये चार चीजें रट लो, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक यहाँ से ध्यान रह जाएगा, एनोड का बना हुआ है, जिंक क्लोरीन साथ में, अमोनियम क्लोराइड होता है, वैसे रोल क्या है पता लग जाएगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर होता है काला काला सा, एक कार्बन ब्लैक होता है, फोड़ो तो कार्बन काला काला सा चूरण सा निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें इसमें भरी होती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें तो होता क्या है, देखो इस सेल के अंदर एक्चुअली में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, तो जरा ध्यान से देखो, इस सेल के अंदर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एनोड, ठीक है। एनोड पर क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक होगा,
नेगेटिव चार्ज है एनोड पर, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, क्लियर है? ठीक है, जिंक कैसे ब्रेक होता है देखो सब जानते हैं, जिंक जेड एन प्लस टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देता है, क्लियर है लिए? क्लियर है। अब आ जाते हैं कैथोड पर, किस पर आ जाते हैं? कैथोड पर, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, देखो यहाँ तो जिंक जीरो से प्लस टू जा रहा है, ऑक्सीडेशन है, सीधा खेल समझ आ रहा है, ठीक है। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर MnO2 जो होता है वो रिड्यूस होता है, देखो MnO2, Mn पर यहाँ प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर है, ये एक्चुअली में रिड्यूस हो जाता है Mn प्लस थ्री में, प्लस थ्री कैसे बनेंगे देखो MnOH, अब OH क्या है नेगेटिव, OH साथ में जाता है नेगेटिव, नेगेटिव है तो यहाँ पर सिर्फ प्लस वन ही चार्ज होगा, हमें कितना करना है यहाँ पर प्लस फोर से प्लस थ्री करना है, तो दो नेगेटिव और आता है तो ऑक्साइड जुड़ जाता है यहाँ पर OHO, इसको बोलते हैं मैग्नीज हाइपोपरऑक्साइड, क्या बोलते हैं मैग्नीज हाइपो, याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं छोड़ो सीधा याद रखो मैग्नीज हाइपोपरऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ गया है OH पर माइनस वन और ऊपर माइनस टू, तो माइनस थ्री हो गया, तो बैलेंस करने के लिए प्लस थ्री आ गया Mn पर, प्लस फोर से प्लस थ्री रिड्यूस हुआ है कि नहीं बोलो, ठीक है रिड्यूस हुआ है, और रिड्यूस होने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, प्लस फोर से प्लस थ्री एक ही तो एक का डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब कहानी ये उठती है कि यहाँ पर एच कहाँ से आया, यहाँ पर एच कहाँ से आया, तो देखो सुन लो, एच आता है एक्चुअली में एनएच फोर आयन से, अमोनियम आयन यहाँ पर आ जाता है MnO2 से रिएक्शन करने के लिए, पेस्ट में भरा हुआ है अमोनियम आयन, अमोनियम कैटायन के पास एक एच प्लस आयन एक्स्ट्रा होता है ना, वो एच प्लस आयन यहाँ से हट करके इसके पास आ जाता है, ठीक है। इसके पास दो ओ है, एक ओ से तो एच जुड़ जाता है, ओ एच बनकर एक ओ फ्री हो जाता है, क्लियर है नहीं है? अब उस H+ आयन को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होगा एक, तो वो इलेक्ट्रॉन H+ आयन से ले लेता है, निकल यहाँ दो इलेक्ट्रॉन रहे, डबल कर देंगे इसको, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और साथ में क्या बाहर निकल जाती है, NH3 गैस, अमोनिया गैस, ये बहुत ही एक्सप्लोसिव गैस है, ठीक है। धीरे धीरे अमोनिया गैस अगर निकलती जाए इसमें तो ये पूरा सेल फट भी सकता है एक्सपोजर की वजह से, तो अमोनिया गैस को रोकना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो अमोनिया का क्या होना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं अमोनिया का क्या होगा, तो मैं लिख देता हूँ NH3 गैस इज डेंजरस, डेंजरस, सो इट चेंज इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन फॉर्म में चेंज हो जाती है। कैसे देखो, हम क्या करते हैं, जो जेड एन अभी तक देखो, तो इसका रोल समझ आ गया, इसका समझ आ गया, ये सपोर्ट करने के लिए कार्बन ब्लैक ग्रेफाइट को सपोर्ट करता है, ये क्या चीज है जेड एन, तो जिंक क्लोराइड में जो जेड एन प्लस टू आयन होते हैं, ठीक है, ये चाहे जेड एन प्लस टू आयन एनोड से आए वो समझ लो, चाहे तुम ये समझ लो कि जेड एन सी एल टू सोल्यूशन से आए, जिंक प्लस टू आयन, भाई सीधी सी बात है जेड एन सी एल टू कम होता भी तो जाएगा, तो ये जिंक यहाँ से आता जाएगा, तो जेड एन प्लस टू आयन अमोनिया को पकड़ लेता है, अमोनिया जो है लॉन पेयर दे करके इस कैटायन को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड समझते हो ना, जिसमें मेटल तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है और अमोनिया देता है, और यहां पर बन जाता है जेड एन एन एस थ्री का होल फोर, चार ले लेंगे तो बैलेंस करने के लिए प्लस टू, और ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डेंजरस नहीं होता और ये पड़ा रहता है सेल के अंदर ही, क्लियर है। तो ये सारी कहानी किसकी है, हमारी लैक्लांसी सेल की, नोट कर लो लैक्लांसी सेल को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लैक्लांसी सेल, नॉट रिचार्जेबल है, इसकी वोल्टेज वैल्यू मैंने लिख दी है यहाँ पर, क्लियर हो रहा है सब कुछ एकदम, ठीक है। अब अपन लास्ट ले लेते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक, और वो कौन सा है हमारा, मर्क्यूरी सेल, कौन सा है तो फटाफट से हेडिंग लगा लो मर्क्यूरी सेल के बारे में, ठीक है, क्लियर हो रहा है, देखो सब कुछ बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, एक एक रिएक्शन अच्छे से याद हो रही है, ठीक है ना। टारगेट अपना बहुत ही बड़ा बना लो, लाइफ में बहुत कुछ करना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा, तभी पैसे अच्छे से कमाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है ना, कोरोना से भी लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो तो अब अपन बात करते हैं सेकंड जो हमारे प्राइमरी सेल है वो हमारे कौन सा है, मर्क्यूरी सेल, कौन सा है हमारा, मर्क्यूरी सेल। एक चीज़ और नोट कर लेना आप, लैक्लांसी सेल के यूज और नोट कर लेना, लैक्लांसी सेल का यूज क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा काम आता है ट्रांजिस्टर्स में, ट्रांजिस्टर्स में काम आता है, ठीक है, ये हमारा काम आता है रिमोट में जो सेल डलते हैं, समझ में आ रहा है ना, उसमें काम आ जाता है ट्रांजिस्टर्स में काम आ जाता है, ये हमारा क्लोट वॉच समझ गए ना उसमें, ठीक है ना, वॉल वॉच मतलब जो दीवार की घड़ियां होती हैं उनमें जो सेल डलते हैं वो सब, समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मर्क्यूरी सेल क्या होता है, देखो मर्क्यूरी सेल में तीन चीज ध्यान रखनी है, ये भी नॉट रिचार्जेबल सेल है, कैसा सेल है बोलो, नॉट
रिचार्जेबल सेल है। सेकंड चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है मर्क्यूरी सेल के बारे में, ये इसका जो वोल्टेज होता है ये थोड़ा कम होता है, किससे? वोल्टेज लैक्लांसी सेल से कम होता है, इसका होता है 1.35 वोल्ट। और जो थर्ड चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, इसके यूज, जैसे वहाँ यूज छोड़ दिए थे अपन ने, यूज इसके हियरिंग एड्स, कान की मशीन, खिलौने वगैरह होते हैं, ठीक है ना, हियरिंग एड्स में ये काम आ जाता है, क्लियर हो रहा है ना। रिस्ट वॉच, कलाई की घड़ी होती है, ठीक है ना, उसमें ये काम आते हैं, छोटे छोटे से होते हैं ना, छोटे छोटे से निकलते हैं, और भी इलेक्ट्रोड्स वगैरह में काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी मर्क्यूरी सेल के बारे में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मर्क्यूरी सेल जो होता है एक्चुअली में उसमें एनोड कौन होता है और कैथोड कौन होता है, फिर उसकी रिएक्शंस देख लेते हैं। देखो एनोड जो होता है इस रिएक्शन में, एक्चुअली में एनोड होता है इसमें जिंक का ही होता है, जैसे पिछले केस में था, लेकिन जिंक अमलगम का होता है, मतलब साथ में एच जी चिपका रहता है, या एच जी के साथ जिंक चिपका रहता है, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। जब भी कोई मेटल एच जी के साथ जुड़ जाता है तो उसको अमलगम बोलते हैं, क्या सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, अमलगम। तो जिंक अमलगम का क्या होता है, इसमें एनोड होता है। अगर हम बात करें कैथोड की, किसकी, कैथोड की, तो इसमें जो कैथोड होता है वो होता है एक्चुअली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का साथ में कार्बन का पाउडर। जैसे वहाँ क्या था, वहाँ अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ क्या था, कार्बन पाउडर था, जिसको अपन कार्बन को अपन ग्रेफाइट बोल रहे थे, उसको सपोर्ट करने के लिए कार्बन पाउडर, यहाँ ग्रेफाइट नहीं होता, सिर्फ कार्बन का पाउडर होता है, ठीक है, और साथ में मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है, क्या होता है, वहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो अगर अपन बात करें कैथोड पर, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कैथोड होता है, कार्बन होता है, पेस्ट यहाँ पर होता है जिंक ऑक्साइड और KOH का, और वहाँ पेस्ट होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और किसका, मैग्नीज डाइऑक्साइड का, जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का, यहाँ पेस्ट होता है जिंक ऑक्साइड और KOH का। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सेल रिएक्शंस अपन इसमें और देख लेते हैं कि कौन कौन सी सेल रिएक्शंस एनोड पर और कौन कौन सी सेल रिएक्शंस कैथोड पर होती हैं, टोटल सेल रिएक्शंस क्या होती हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या चेक कर लेते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन। तो एनोड पर जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस तरह से होता है, तो जिंक अमलगम एनोड है यहाँ पर, ठीक है, जिंक अमलगम जो होता है एक्चुअली में वो बनाता है यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड हो गई जिंक के साथ तो ऑक्सीडेशन हो गया, या जिंक जो जीरो से है प्लस टू में चला गया, तो कैसे भी देख लो, चाहे इलेक्ट्रॉन लूज हुए चाहे ऑक्सीजन ऐड हुई, कैसे भी देख लो ऑक्सीडेशन हो गया जिंक का, जिंक ऑक्साइड में। कहानी उठती है ऑक्सीजन कहाँ से आया, व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के बारे में क्या कहना है आपका, ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा। तो देखो जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पर KOH है, तो यहाँ पर OH नेगेटिव KOH में पड़ा हुआ है, OH नेगेटिव यहाँ से आ गया होगा, ठीक है ना, OH नेगेटिव यहाँ से आ जाता है, क्लियर है नहीं, OH नेगेटिव यहाँ से आ जाता है, यहाँ से देखो जिंक ऑक्साइड बन गया, क्लियर है, यहाँ आप 2OH नेगेटिव लेके चलते हैं, तो देखो कितने ऑक्सीजन है, दो और दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक काम आ गया, तो दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन बचे, तो दैट मीन्स क्या बाहर निकल गया, वाटर, क्या बाहर निकल गया यहाँ पर, वाटर, और साथ में जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ है, कितने बाहर निकाले, दो इलेक्ट्रॉन, ये सारी कहानी क्लियर हुई, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं कैथोड पर, किस पर आ जाते हैं बोलो, कैथोड पर, कैथोड पर क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या, अच्छा कैथोड किससे मिलकर बना हुआ है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम HgO, ठीक है, Hg यहाँ पर प्लस टू फॉर्म में, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या करता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, देखो दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, जो यहाँ से आए, और वाटर भी ले लेता है, दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और वाटर भी ले लेता है, इसकी सीधी ट्रिक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कैथोड है तो लिख दो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, उसके बाद एनोड से दो इलेक्ट्रॉन निकले वो लिख दो, ये गेन कर लेगा, वाटर का मॉलिक्यूल गेन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एच जी तो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है ना, रिड्यूस हो गया, देखो प्लस टू से जीरो में रिड्यूस हो गया एच जी, ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, कितना OH बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 2OH नेगेटिव, क्या बन जाएगा, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, क्लियर है नहीं, जोड़ दो दोनों रिएक्शंस को, तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्लियर हो गए, वाटर से वाटर कैंसिल हो गया, OH से OH कैंसिल हो गया, तो टोटल सेल रिएक्शन क्या होगी कि जिंक जो एनोड था हमारा, ठीक है, प्लस HgO जो कैथोड था हमारा, उसके प्रोडक्ट क्या हुए, जिंक अमलगम से बन गया जिंक ऑक्साइड, साथ में मर्क्यूरिक ऑक्साइड से बन गया मर्क्यूरी लिक्विड, क्लियर है। तो ये हो गए हमारा मर्क्यूरिक सेल की रिएक्शंस, टोटल सेल रिएक्शंस, क्लियर हो गए, नोट कर लो। तो ये थे हमारे दोनों ड्राई सेल्स या प्राइमरी बैटरीज, एक लैक्लांसी सेल था और दूसरा मर्क्यूरी सेल था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेंगे सेकेंडरी बैटरीज, जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है बार बार,
इनका आउटपुट वोल्टेज भी चेंज किया जा सकता है। इसमें दो एग्जांपल लेंगे, एक लेंगे हम लेड स्टोरेज बैटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, और एक लेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसको लेने के बाद कवर करेंगे हम टोरोजन का टॉपिक। टोरोजन का टॉपिक कवर होते ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।